फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए पांच अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। फ्रेंड्स, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में, वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये ऐसे विषय हैं जहां हम में से प्रत्येक को हर रोज कॉन्शियस चॉइस करनी होगी। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। और मैं इस आर्थिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, बीती शताब्दी के अनुभवों के आधार पर हर कसौटी पर खड़ा उतरने का मूवमेंट मानता हूं। स्व से समझने का यही रास्ता है, अहम से वयम के कल्याण का यही रास्ता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।